हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि हर्ट रूट क्या होता है, कौन सा वुड है जिसको हम हर्ट रूट कहते हैं। तो हम देख लेते हैं हर्ट रूट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वुड बनता कैसे है। तो कैम्बियम, ये कैम्बियम होता है जो स्टेम में, तो ये कैम्बियम जैसे हमने ड्रॉ किया, तो कैम्बियम का जो बाहर से ये आउटर इसकी लेयर होती है, इससे बार्क बनता है। ये बार्क सेल बनाते हैं, और जो इसकी इनर लेयर होती है ये क्या बनाती है, वुड सेल बनाती है। कैम्बियम, ये कैम्बियम है, हम राइट कर दें कैम्बियम। ये कैम्बियम जो होता है स्टेम में, इससे क्या होता है, इससे जो आउटर लेयर होती है वो बार्क सेल बनाती है, और जो इनर लेयर होती है ये वुड सेल बनाती है। मतलब ये अभी आउटर हो गया और ये इनर हो गया, तो ये आउटर लेयर है ये बार्क सेल बना रही है, जो इनर लेयर है ये वुड सेल बना रही है। अब जब ये वुड सेल बन रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर जो वुड बन रहा है, अब ये सारा कुछ लिविंग है, ये सब लिविंग है, यहाँ पर सेल बन रहा है वुड सेल। ये वुड सेल होता है जो स्टार्टिंग में बनता है, इसको हम कहते हैं सैप वुड, इसको हम कहते हैं सैप वुड। ये सैप वुड जब आगे चल के मेच्योर हो जाता है या इसकी डेथ हो जाती है तो ये क्या होता है, फिर ये अंदर ये जो सेल बनते हैं इसको क्या होते हैं, ये फिर हर्ट वुड होता है। ये वुड बन रहा है और ये सैप वुड है, और ये सैप वुड ही आगे चल के अंदर क्या होता है, ये हर्ट वुड बन जाता है। ये हार्ड हो जाता है और इसका कलर भी डार्क हो जाता है और ये डेड हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है हर्ट वुड, हम राइट कर देते हैं, इसको कहा जाता है हर्ट वुड, यही हर्ट वुड होता है। तो ये हर्ट वुड हम यहां पर अगर ड्रॉ कर दें अलग से, ये पूरा ट्रंक है, स्टेम है, ट्रंक है, तो ये बाहर का जो ये हुआ ये बार्क हो गया, बार्क हो गया, और ये अंदर क्या हुआ, ये जो लाइट कलर का ये रहेगा, तो इसको कहेंगे सैप वुड, ये होगा सैप वुड। सैप वुड कैसे बना ये भी आपने देखा यहां पर कि सैप वुड कैसे बना, और ये अंदर का ये डार्क होता है, ये पूरा क्या होता है, ये डार्क कलर का होता है, और ये क्या होता है, ये डेड सेल्स होती हैं, यही सैप वुड होता है जो आगे चल के डेड हो जाती हैं और इनका कलर डार्क हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हार्ट वुड, इसी को हम कहते हैं हार्ट वुड कहते हैं हार्ट वुड। ये तो इसका मतलब ये है कि हार्ट वुड कभी सैप वुड रहा होता है, ये सैप वुड जो है यही आगे चल के क्या बनता है, हार्ट वुड बनता है, और यही मेन वुड होता है जो फर्नीचर वगैरह बनाते हैं, तो ये इसी का मोस्टली यूज होता है, और फिर ये टिकाऊ हो जाता है, ये मजबूत हो जाता है, और इसमें जल्दी क्या होते हैं, ये इंसेक्ट वगैरह इस पर अपना इफेक्ट नहीं डाल पाते, और ये जल्दी वाटर वगैरह से सड़ता भी नहीं है, सैप वुड से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो। और सैप वुड जनरली आमतौर से, सैप वुड क्या होता है, लाइट कलर का होता है, और हार्ट वुड क्या होता है, डार्क कलर का होता है। और ये कैम्बियम से यहाँ पर बनना स्टार्ट होता है, कैम्बियम की जो आउटर लेयर होती है इससे बार्क सेल बनते हैं, और जो इनर लेयर होती है इससे वुड सेल बनते हैं। और ये वुड सेल पहले तो सैप वुड बनेगा, सैप वुड बनेगा, फिर धीरे धीरे सैप वुड क्या होगा, ये इसके अंदर की जो सेल्स हैं वो डेड होने लगेंगी और क्या होंगी, हार्ड होने लगेंगी, फिर ये हार्ट वुड बन जाएगा, और फिर जैसे जैसे ट्रंक की मोटाई बढ़ती जाएगी तो वैसे हार्ट वुड भी उसका बढ़ता चला जाएगा, और फिर किनारे किनारे वो सैप वुड रहेगा, और ये जैसे हम यहाँ पर कर दें बड़ा सा, जितना बड़ा हो जाएगा तो फिर यहाँ पर अब सैप वुड रहेगा, ये बीच का पोर्शन क्या हो जाएगा, ये पूरा हार्ट वुड रहेगा, और ये इतना ये सैप वुड रहेगा। ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ट्रंक की मोटाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बीच में हार्ट वुड बढ़ता जाएगा, और ये किनारे क्या क्या रहेगा, ये सैप वुड रहेगा, और ये बाहर तो बार्क रहता है। तो यही जो वुड होता है हार्ड वाला, इसी को हम कहते हैं हार्ट वुड, और ये जनरली डार्क कलर का होता है ये सैप वुड के कंपेरिजन में। तो उम्मीद करते हैं हार्ट वुड क्या होता है आप समझ गए होंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।